मम्मी ने कहा था कि इन सब थैलियों में से एक थैली में चश्मा रखा हुआ है। अब चश्मा कहाँ रखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। अब ये चश्मे के केसेस तो रखे हुए हैं, बट अभी चश्मा मेरे को चाहिए क्यों? बट मेरे को चश्मा चाहिए क्योंकि थोड़ा धूप वूप है, बार बार जाऊंगा इधर उधर जाऊंगा तो चश्मे की जरूरत तो है ना बॉस। तो अभी चश्मा ढूंढते हैं कहाँ है। एक चश्मा मिल चुका है, अब दूसरा ढूंढते हैं। बेल्ट, इसमें तो बेल्टें भरी पड़ी हैं यार, चश्मे कहाँ हैं? तो गाइस चश्मे तो मिल चुके हैं इस वाली थैली में, बट अब इस वाली थैली में दिक्कत क्या है कि ये जो है ना इतना सारा सामान है, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये सारा सामान ऐसे धम से गिर जाएगा, बिल्डिंग जैसे गिरती है ना। आपने 2012 देखी होगी, तो 2012 मूवी देखी होगी, उसमें से बिल्डिंग ऐसे गिर जाती है। बट मेरे को आराम से शांति से इसको निकालना पड़ेगा। तो यार इस चश्मे की देखो, मेरे को डंडी तो मिल गई है, बस अब इसको अटैच कैसे करना है ये लग रहा है मुझे। चश्मे वाले अंकल के पास जाना पड़ेगा इसको अटैच करवाने के लिए। देखते हैं, अब उन्हीं के पास जाएंगे, बट देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वाचर, वेलकम बैक टू मैंगो लाइफ ऑफ सैम। और आज का जो ये वाला चश्मा है, जो ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि मेरे पास सिर्फ दो ही चश्मे हैं और ये वाला चश्मा मिला मेरे को, उसकी डंडी मिली है। मैं आई होप आप चश्मे वाले के पास जाके इसको सही करा लूंगा, बट अभी नहीं हो पाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब नहीं तो मेरे पास दूसरा चश्मा है बैकअप के लिए। तो दोस्तों घर में काम चालू हो चुका है बढ़िया तरीके से, और सब कुछ हमारे घर को बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। मतलब हमारे घर में से सारे दरवाजे गायब है, हमारे घर में से सब कुछ गायब हो चुका है। एक बार आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले ये वीडियो यहीं तक थी, मजाक था, ये वीडियो यहीं तक नहीं थी, छोड़ के मत जाना। तो अभी चल रहा है जेई और नीट और बच्चों के बीच में गर्मा गर्मी, और मैं भी अभी 12th पास हुआ हूँ और मेरे को भी पता है यार क्या सिचुएशन रहती है जब एक बच्चे को इतना COVID-19 की सिचुएशन के बाद जब आप लोगों को बोला जाए ना एग्जाम देने के लिए, तो बहुत ज्यादा फटती है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देखो यार इसमें बच्चों की गलती नहीं है, कोई भी किसी भी अपने से बड़े से तक भी आप ये वाली चीज पूछ सकते हो कि उसे जब वो पहली बार काम पे गया होगा इतने टाइम के लॉकडाउन के बाद, तो उसे कैसा लगा होगा और उसे कैसा आलसपन आया होगा। और वैसे बच्चे और सेफ्टी पर्पज से भी COVID-19 बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इररिस्पेक्टिव टू द रिकवरी रेट। यार देखो अगर हम रिकवरी रेट को देखते रहेंगे तो ऐसे तो फिर तो भाई मतलब क्या मतलब बनता है ना फिर तो। बट COVID-19 को फिर भी हमें फैलने से तो रोकना ही है ना, चाहे कितना भी रिकवरी रेट हो, चाहे 90 हो जाए 100 हो जाए, बट फिर भी मेरे हिसाब से बीमारी तो नहीं फैलनी चाहिए ना कहीं भी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जाना, 10-10 लाख रुपए खर्च करना, जिनके पास बेचारे जो एक दिन की रोटी भी नहीं खा पाते, वो लोग कहां से 10 लाख रुपए वो जमा करेंगे जाके। मेरे हिसाब से यार एग्जाम नहीं होने चाहिए, एग्जाम इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि देखो यार यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर है। जब बच्चे ही खुद को ही बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हम 4 महीने भी 2 महीने भी 3 महीने भी रुक जाएंगे, अभी पोस्टपोन कर दो, अभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और तो रिजल्ट गंदे से भी क्या फायदा। अगर आप एग्जाम दिलवा भी लोगे और उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बेचारे क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट जो कर सकते थे बट वो COVID-19 की वजह से क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर उन लोगों का सपना तो अधूरा रह जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हुए होंगे उनका उनको लग रहा होगा कि नहीं हो जाए एग्जाम, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मेजोरिटी में जो अभी नहीं पढ़ पाए, तो उन लोगों का तो खराब हो गया ना सारा। देखो भाई मेरा ओपिनियन यही था, अब मैं इतना ही कहना चाहता था, ज्यादा नहीं बकवास नहीं करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा बहुत अपना नहा धो के, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीजें दिखानी है, सो वही सीधा चलते हैं। अभी रखता हूं मैं सारा सामान क्योंकि अभी ना वहां भी सब रख के आना है, मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। मिल रहा आपसे थोड़ी देर में। गौरव भैया इसकी ना इसकी डंडी टूट गई है चश्मे की, तो आप इसे सही करा लोगे क्या? अगर देख लो मिल जाए चश्मे वाला तो चलो बोले मैं चश्मे पता कर लेता हूं। देखो कुछ नहीं करवाना, मैं बता दूं, देखो आपको ना बस इसका ये एक इस चश्मे का जो ये पे ये है ना ये डंडी है टूटी हुई है, तो ये लगवा लेना बस इसमें, अगर टूट करे तो सही है, एक बारी पूछ लेना चश्मे वाला कर देगा वैसे सही। आज मैं अपना फोन भिगोने जा रहा हूँ। आरो खराब है। अरे कुछ नहीं, पापा बता रहे थे ये कमरे की सेटिंग कैसे होगी, फिर उसके बाद आगे वो मशीन वगैरह कहाँ लगेगी कपड़े धोने वाली, वो सब बता रहे थे। अभी कुछ मतलब कमरे की दीवार वगैरह तो खड़ी हुई है, कल दिखाएंगे सबको जाके ऊपर।
तो आज फिर से युवा में आलस में आके मैंने ब्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि उसके मतलब जब मैं सुबह आप लोगों से मिला था ना, जब मैंने आप लोगों से आखिरी बात करी थी उस समय के बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ भी नहीं, तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं। पता है अभी ना स्कूटर पे दो लोग जा रहे थे, दो मतलब अंकल आंटी जा रहे थे, वो कैमरे से बात कर रहा था ना, तो वो कह रहे थे कि वो किसी से मीटिंग कर रहे नीचे, जूम मीटिंग, DSLR पे जूम मीटिंग कैसे हो सकती है, DSLR पे जूम मीटिंग, शिट। खैर चलो कोई नहीं यार, मच्छर बहुत है। मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकला और इतनी गर्मी, वो मच्छर इतनी गर्मी सड़ी। हाँ मैं ही पागल हूँ। ओ भाई कितना कूड़ा हो गया भाई यहाँ पे। अरे दिखाओ मम्मी, मैं लगाऊ ऐसी कर दू ना मम्मी, नीचे कर दू सारा, ऐसे कर दू। अरे पहन लेंगे चप्पल भी, ऐसी क्या बात हो गई। ये ना फोटो निकलेगी अब मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये भी ये जो कैमरा है ना ये शूट कर रहा है। हाँ अरे आपकी भी डाल देंगे, आपकी डली तो है, आप आए हो आज की ब्लॉग। अरे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और दिन है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ, रिपोर्टर सम्यक जैन, और आप लोगों को पूरी दिन की खबर देने वाला हूँ अपने भैया। ऊपर का हमारा ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें से अब जाने वाला है हमारा सोफा वगैरह, और जो हमारी किचन है वो पूरी, जो पूरी ऊपर वाली किचन है जो कि इस्तेमाल नहीं होती, तो उस किचन को हटा के सारा जो स्लैब वगैरह हटा के उसमें से बनेगा अब ड्रेसिंग रूम। तो अभी वो जो भैया है वो सब कुछ सारा सामान उठाने के लिए आया, तो मेरी ड्यूटी लगी कि मुझे ऊपर जाके बैठना है और ये देखना है कि वो कुछ काम वाम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत सेफ्टी मेजर्स के लिए भी हमारे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पर जनरली फिर भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। कितना शोर मच रहा है भाई। अगर आपको इस व्लॉग और आज से आने वाली अगर और भी व्लॉग्स में अगर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, वो भी मशीन वगैरह का, वो भी इस वजह से कि ऊपर काम और ऊपर और नीचे काम चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आवाज़ें नहीं रोक सकता। अगर मैंने आवाज़ें रोकने की कोशिश करी तो मेरी आवाज़ें रुक जाएंगी, मतलब समझ सकते हो ना, मैं ये थोड़ी बोलूँगा भैया आवाज़ मत करो, तो व्लॉग करनी है। तो हमारा जो ये वाला सोफ़ा ये जाने वाला है यहाँ से, और ये वाले सोफे और दोनों सोफे का कपड़ा चेंज होकर आएगा, तो जब चेंज होकर आएगा आप लोगों को तब दिखाऊंगा, बट अभी ये जाने वाले हैं दोनों। और किचन में से ये पूरा स्लैब है यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, और यहाँ से, और ये जो पूरा फ्रिज है ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा, और ये मशीन हट जाएगी। तो ऐसे कुछ करके हमारा बनेगा, जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो बनेगी, अभी ड्रेसिंग रूम बनेगा पूरा, ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम में टेबल तो होती है। तो आप लोगों को जो ये वाला दरवाजा दिख रहा है ये निकल चुका है, क्योंकि इसमें रीपेंट होके आएगा। इस वाले कमरे का दरवाजा निकल चुका, और यहाँ पे जाली के गेट, सिर्फ जो ये मेन गेट था वो पूरा निकल चुका है। बहुत फटती है भाई यहाँ पे सोने में, बहुत फटती है, मेरी तो एटलीस्ट बहुत फटती है, क्योंकि कितना बड़ा हो गया फिर भी इसको डर लगता है। बट यार ये डरना जायज़ है, क्योंकि जब आपके घर में गेट ना हो तो फिर डर, मतलब खोखला टाइप लगता है ना, मेरे को ऐसा लगता है हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं, और फिर सबको मतलब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मेरे को सोने में थोड़ा सा डर लगता है, मतलब अब तो आदत पड़ गई। खैर सब YouTube पे जाएगा, मतलब टीवी मोबाइल वगैरह सब पे। चलो कोई नहीं, आप काम करते हो। देखो देखो कौन आया, नन्नू आप खा रहे हो, नन्नू खा लो भाई। क्या है नन्नू, एक बार इंट्रोडक्शन दो अपना। क्या हेलो गाइस, हाउ गाइस, माय नेम इज नन्नू। ऐसे मारते हैं नहीं, मत सो। क्या नन्नू क्या, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है, मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। नन्नू आपको राइम आती है ना, राइम सुनाओ। चलो कैमरा में राइम सुना के दिखाओ। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी सुनाओ, माय लिटिल पोनी। नन्नू ऐसे सुनाते हैं, ऐसे टीचर 0 नंबर देगी, अंडा 0। नन्नू आप बता चुके हो अनवी वर्मा हो। नन्नू के पास बहुत सारी डॉल्स हैं, और मैं बहुत सही हूं, और बहुत सही अनवी, और कुछ भी होता है ना जो
नन्नू मैं आपकी डॉल पे बैठ गया था। ओ सॉरी डॉल, ये सो रही थी। नन्नू ये सो नहीं रही थी, ये मर गई है, ये मैं इस पे बैठ गया मर गई है डॉल। हो अब क्या करें इसका, मर गई है तो। हो नन्नू ऐसे फेंकते किसी को, ये अच्छी नहीं है। अच्छी है वो बेचारी। लो बेचारी, इसे दवाई खिलाओ। खिलाओ चलो। ओ तो अभी तक आप लोगों का रिकैप दे दो तो यही है कि मैं मतलब अभी मेरा 7 सितंबर को डी यू जैट का पेपर है। अभी डी यू जैट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, उसका पेपर देखेंगे। बट सबसे दिक्कत पता है क्या होती है डी यू जैट के एग्जाम में, दिक्कत ये है कि उस एग्जाम में होता है नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं तुक्का भी मारना चाहूँ तो मैं नहीं मार सकता, क्योंकि मैं कोई डर से तुक्का नहीं मार पाऊंगा कि मेरा एक नंबर वैसे ही कट जाएगा। अगर सपोज को किसी बंदे ने 20 सही करे हैं और अगर वो 10 गलत करके आ गया तो बहुत नंबर कम हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का मेरे को ये ड्रॉबैक लगता है, बट नेगेटिव मार्किंग अपने खुद के एडवांटेजेस भी होते हैं। अब वो एडवांटेज क्या है वो मुझे नहीं पता, टीचर को पता होगा तभी उन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। भाई साइकिलिंग कर रहे, एक टाइम पे हम भी बहुत करा करते थे, अभी यार एक हफ्ता हुआ है साइकिलिंग छोड़े हुए। अब एक बार ये ना डी यू जेट का पेपर दे दूँ, उसके बाद साइकिलिंग पे जाऊँगा फिर से दे देना अदर। और रोज जाऊँगा, मतलब सोच रहा हूँ कल भी जाऊँ अभी, बट देखते हैं कल जाने का प्रोग्राम बनता है। बट मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि ना घर वगैरह इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी थकावट हो रही, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा यार। पूरे दिन मन करता रहा तो सोते रहो बस। और कैम मैं लिटरली आप लोगों को बताऊँ तो व्लॉगिंग भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार थक जब नींद आ रही हो ना तो कुछ करने का मन नहीं करता, फिर फेडअप कैमरा में देखना तो अच्छा नहीं लगता। तो चौखट पे हमारी ऊपर कमरे की चौखट लग चुकी है और ये जाके उस पर तोता लगाएगी। अब मुझे पता नहीं तोता के चौखट पे तोता लगा के हैं तोता। अरे चप्पल नहीं मिल रही यार, चप्पल कहाँ है, कोई भी उठा के पहने तो सारी गंदी है। अरे अरे भाई मैं क्या पहले नंगे पैर जाऊंगा क्या मैं, एक सेकंड फिर वो दे देना पकड़ ले। चलो भाई तोते होते तो बन गए, अब नीचे चले। तो बस दोस्तों आज की ब्लॉग सिर्फ यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और दोस्तों और हाँ प्लीज़ मतलब कोई भी स्ट्रेस मत लो, मैं भी स्ट्रेस नहीं रहा, मेरा भी एग्जाम होगा ड्यू जैट का, मैं भी उसको अच्छे से दूंगा और आप लोग भी अच्छे से देने की कोशिश करना, प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। और ना एग्जाम आते जाते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं है यार, ये वाली बात भी सही है कि सपोज करो फिर नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा उन लोगों के लिए भी। तो यार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बेस्ट देना कोई, और अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है यार, कोई नहीं, अगर एक एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नहीं क्लियर होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। बस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें करने वाला हूं मैं। और प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरे को अच्छी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियो देखना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम, नथिंग इज इंपॉसिबल, द वर्ल्ड इज आई एम पॉसिबल, एंड वी आर द चैंपियंस। पीस।